तो कितने लोग हैं जिनको पता है मीडिया क्वेरी होती क्या है? हेलो सर, हाँ यार, मीडिया क्वेरी बेसिकली क्या करता है कि डेस्कटॉप और फोन मतलब रिस्पॉन्सिव बना देता है वेबसाइट को पूरा। बिल्कुल एक वर्ड में कहोगे तो बिल्कुल परफेक्ट यही कहा है कि मोबाइल व्यू मतलब रिस्पॉन्सिव करने के लिए अपनी वेबसाइट को मीडिया क्वेरी बहुत हेल्पफुल होता है। अब उसको कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। फर्स्ट क्लास जब तुम लोग की मेरे साथ हुई थी उसमें रिस्पॉन्सिव वर्ड ही शुरू किया था और आज तक उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे करते हैं, तो आज कोशिश करेंगे वो कवर कर लें। लक्ष्मण सबसे पहले तेरी वेबसाइट चेक कर रहे हैं। हाँ यार बोल। सर ये मेरी वेबसाइट है, मैंने टेस्टिमोनियल्स का शैडो जो था ये बैकग्राउंड में जो ये दो चल रहे ना साइड में लास्ट में ये और ये वाला। अरे लक्ष्मण एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हमने स्क्रीन दिख रही है, मैं मतलब मेरी स्क्रीन देख लो। सर वो दिखा रहे हैं क्यों? अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। शैडो इफेक्ट डाला मैंने तो शैडो जो है वो ओहो क्या बोलते हैं स्टिकी हो गया, बट जो रन कर रहा है वो स्टिकी नहीं हो रहा है मेरा इसमें टेस्टिमोनियल्स। स्टिकी नहीं हो रहा है मतलब? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ एक बार, हाँ हाँ श्योर। एक मिनट सर। सर हो रहा है सर? हाँ यार सर ये देखो ये श्राव्या का जैसा भी ऊपर जा रहा है, बट बाकी जो अनिरुद्ध मालपानी सर का और दिशा का जो है ये शैडो जो है वो नीचे से रन कर जा रहा है, बट ये ऊपर से क्यों रन कर रहा है ये काम नहीं समझ रहा अभी। ऊपर से शैडो कहाँ रन कर रहा है? आई डोंट गेट इट, क्या कह रहे हो? सर ये दिशा का और अनिरुद्ध मालपानी सर का देखो वो बैकग्राउंड से जा रहा है मतलब हाँ परफेक्टली रन कर रहा है, बट ये जो श्राव्या का जो एकदम हाईलाइट पे है वो देखो सर ऊपर से जा रहा है नैप बार के। किया राइट, इंस्पेक्ट करके देखा? सर पर कुछ नहीं समझा इसमें मत मुझे। करो मत करो, हम दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन शेयर करा हुआ है, मेरी स्क्रीन देख लो। ओके सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, तो यार एक चीज ये कि ये सिर्फ श्राव्या वाले में नहीं हो रहा है, हर हाँ उसमें हो बाकी रहा है सब में भी हो रहा है, बट जो बाकी के एक्टिव तो है, साइड में दो वो नहीं जो जा रहे। एक्टिव है उसमें हो रहा है राइट। हाँ तो देख लेते हैं ये क्यों हो रहा है। इसका जेड इंडेक्स 100 लिखा हुआ है। जेड इंडेक्स पता है क्या होता है? हाँ सर वो ऊपर स्टॉप कर देता था जैसे आपने कुछ बताया था क्या स्टॉप कर देता है सर किसी को? वही। पहले क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं एक बार कोई बता सकता है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? सर जेड एनीवन? सर हाँ हाँ शिवम सर बता। सर वो जेड इंडेक्स यूज करने के बाद टॉप नेव के नीचे से जो भी मतलब ये अभी श्रावय का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें वो नीचे से जा रहा था। यस। मेरे में भी वही प्रॉब्लम आया था सर, सॉल्व हो गया था वो। तो यार लक्ष्मण ये हम लोग ने 2-3 बार पढ़ाया, आई थिंक मिस हो गया तुझसे। सर वो मैंने करके ट्राई किया इंडेक्स वाला बट नहीं हो रहा था मेरे से। हाँ तो क्या ट्राई किया बताओ? सर मैंने कोड में जाके जेड इंडेक्स डाल के सर देखा था, मैं 1000 किया था बट नहीं हुआ इसको 1000 किया था। शैडो इफेक्ट में। तो तुम जेड इंडेक्स का मतलब तुम सही से नहीं समझो। जेड इंडेक्स इज कि जिस चीज का जेड इंडेक्स तुम बढ़ा रहे हो वो चीज सबसे ऊपर आएगी। अभिनव ने एक ट्विटर पे इसका मीम भी भेजा था। यस सर जिस चीज का जेड इंडेक्स बढ़ा रहे हो वो ऊपर आएगी। अगर तुमने इस डिव का जेड इंडेक्स, शैडो इफेक्ट का जेड इंडेक्स बढ़ा दिया तो ये ऊपर आएगा। अगर इसको 1 कर दिया अभी भी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब जो तुम्हारा स्टिकी नैप है जो नीचे जा रहा है तुम्हें उसे ऊपर करना है। तो स्टिकी नैप पे गए और इसका जेड इंडेक्स बढ़ा दिया, 1000 कर दिया। अब देखो ये नीचे से जा रहा है कि हाँ नहीं जा सर रहा है। हाँ सर तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी मत देखो, उसका मतलब भी समझो। जेड इंडेक्स मतलब अगर जिसका जेड इंडेक्स बढ़ा होगा वो ऊपर रहेगा। तो तुम ओके सर जबरदस्ती शैडो इफेक्ट का मत कम करो, मत जेड इंडेक्स बढ़ाओ, मतलब तो समझो कि क्यों यूज कर रहे हैं। समझा सर, मतलब सिर्फ नैप बार का बढ़ाना पड़ेगा। हाँ और सर क्यों? क्योंकि सेकंड डाउट, नैव ड्रॉअर को ऊपर लाना है। हाँ सर और सेकंड डाउट सर ये है कि नीचे देखो मैंने मैप ऐड किया है हाँ आपके जो लर्न टू पीयर वेबसाइट है उसमें, इधर उसके बाजू में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स से सब है, वो आपने कैसे लाया बेसिकली? तो यार तुम्हें सार्थक सर ने पोजीशनिंग सिखाई थी ना, जो कि ध्यान नहीं होगा अच्छे से बट सिखाई होगी। सर मैं लेक्चर नहीं लिया था उस वक्त, मेरा तबीयत खराब था। अच्छा ठीक है। तो ये आई फ्रेम है तुम्हारा और ये तुमने किसके अंदर डाला हुआ है? बी टैग। अच्छा किसी चीज के अंदर? ओ भाई ये बी टैग के अंदर सब कुछ क्यों डाला हुआ है? हाँ सर
ये सब कुछ तुमने बी टैग के अंदर क्यों डाला हुआ है? बी सर मतलब बी, बोल्ड होता हाँ बेसिकली सर ये जो ऊपर ऐसा टेस्टिमोनियल्स में नाम से ना वो एकदम लाइट थे, इसलिए उनको थोड़ा बोल्ड करने के लिए मैंने बी टैग यूज किया था एक जगह। है, बट बी टैग ये देखो यहां शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है पता नहीं कहां ही, आई फ्रेम के बाद खत्म हो रहा है, इसको सर थोड़ा फिर ये सही करो। कोड, ये फिर कोड में ही रहेगा जहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने ऐड नहीं किया था। देख नहीं तुमने ही ऐड किया है, नहीं सर मैंने नहीं किया था सच्ची। इसको हटा दो, थोड़ा सा कोड अपना पढ़ना और ये हटा देना, ठीक है? ओके सर। आई फ्रेम जो तुम्हारा है वो तुमने एज इट इज यहाँ पे रख रखा है, ठीक है? तुम चाहते हो कि इसके बगल में लेफ्ट में भी कुछ आए? हाँ वो जो आपने लर्न टू पी एस डॉट ओ आर हाँ जी पे, तुमने ठीक है, तो एक चीज ये कि जब भी तुम देखोगे तुम्हारी वेबसाइट में चार चीजें जैसे हैं, एक के बाद एक है चार चीजें, हाँ सर ये भी क्लियर हो गया, वो जो कांटेक्ट में आपने ईमेल ऐड करने बोला तो वो भी एक बार रन करके देख लो आप। कैसे किया? सर आपने बोला था ना लर्न टू पेयर्स को इंस्पेक्ट करके मैंने उधर से कोड को अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने अपने इधर चेंजेस किए। कैसे किया? परफेक्ट, मेल टू करके एक, यही चाहिए था, कीवर्ड यही था, तुझे मेल टू बोलना था, परफेक्ट है यार, हाँ अच्छा है। तो हम ये कह रहे थे यार कि जैसे देखो तुम्हें यहाँ मैप्स के लेफ्ट में एक चीज ऐड करनी है, राइट? तो तुम्हें ये चीज दिख रही है, अबाउट के लेफ्ट में एक चीज एडेड है, इसके बगल में एक और चीज एडेड है, एक और चीज एडेड है, हाँ सर। तो यही चीज तुम्हें नीचे करनी है, बट इंस्टेड ऑफ ऐसे करने के तुम्हें सिर्फ दो चीजें करनी है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट किया और देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे चार ए टैग्स यूज हुए हैं और ये एक डिव के अंदर है, राइट? तो जब भी तुम्हें दो चीजें आसपास रखनी है, एक साथ रखनी है, तो उसको एक डिव में ऐड कर दो, ठीक है? तो यानी ओके कि सर। इस आई फ्रेम के ऊपर एक डिव लगा दो और इस डिव के अंदर अगर हम एक और एलिमेंट लगा दें, बटन, और इस बटन का नाम लिख दें लक्ष्मण रेखा, ठीक नहीं 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 सर है? तो अब देखो ये जो बटन, ये डिव आ गया और इसके अंदर ये कुछ कुछ गड़बड़ आ गया, इसका डिस्प्ले कर देते हैं, ब्लॉक कंटेंट्स फ्लेक्स, ठीक है? तो देखो ये बटन इधर आ हाँ गया, ये यहाँ इधर आ गया है ना, ऐसे ही कुछ कुछ तुम्हें करना है, तो थोड़ा सा इसी के साथ गेम खेलो, समझ जाओगे कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। इसकी विड्थ एक बार 50% कर देते हैं, इससे पता चल जाए ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, और डिस्प्ले फ्लेक्स क्या हुआ है, आई फ्रेम अलाइन राइट किया हुआ है तुमने, अलाइन राइट कहाँ है, कुछ कुछ इसमें खिलवाड़ कर लो सर, हो जाएगा। ये सेंटर में क्यों नहीं हो रहा, राइट या सिर्फ और लेफ्ट ही हो रहा है, बट सेंटर में नहीं जा रहा। तुमने यहाँ पे आई फ्रेम को अलग से अलाइन लेफ्ट क्यों किया हुआ है, इसको हटा दो, सी एस एस से हर चीज क्या करो, सी एस एस में तुमने कर दिया डिव अलाइन आइटम्स सेंटर, कुछ ऐसे करते रहो, कोई कोई सी एस एस प्रॉपर्टी होगी जिससे हो जाएगा। एक होता है टेक्स्ट अलाइन, बट ये होता है इसके ऊपर वाले के लिए, डिव पे, अगर डिव पे लगा देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये देखो सेंटर में आ गया है ओके ना। सर। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सीएसएस की होती हैं, जो करना है वो गूगल सर्च कर लो, अगर तुम्हें अलाइन करना है सेंटर में तो लिखो अलाइन सेंटर इन एचटीएमएल, तो तुम्हें कुछ कुछ मिलता रहेगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। बट बात की आते हैं, बट बेसिकली ये है कि अगर तुझे करना है कि लर्न फ्रॉम पियर्स में तो इसके लेफ्ट में कुछ था, तो यहाँ पे भी देखोगे आई फ्रेम एक डिव के अंदर होगा, जब भी डिव के अंदर कुछ डाल देते हो तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि डिव एक ब्लॉक बॉक्स बन जाता है, वो बॉक्स के अंदर है सब कुछ, ये देखो। तो डिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोजिशनिंग वाली जो क्लास तुमने मिस की है, जो कार्ड व्यू वाली सबने की है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में प्रणव ने भी अच्छा किया था ये चीज, प्रणव ने नहीं किसी ने तो किया है, श्रव्या के देखें कार्ड व्यू किसी ने तो बनाया है, अरे ये गिट लैब है शायद, श्रव्या ने कार्ड व्यू वाली चीज इंटीग्रेट की हुई है, ये रही, ये नहीं है, प्रणव का देखें, हाँ नहीं है सर उसमें साबे में। श्रव्या में नहीं है, किसी का तो अभी देखा था, प्रणव का ही था क्या? नहीं प्रणव का नहीं, तो बहुत बकचोदी कर रखी है, इधर निखिल सराटे का तो देखो नीचे भी एक नैब ड्रॉअर पड़ा हुआ है, ऊपर भी नैब ड्रॉअर पड़ा हुआ है, अलग लेवल पे सब चल रहे हैं यार। अरे नहीं सर, मैं ऑफिस एक बार भेज रहा हूँ, अपडेट नहीं किया मैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये उसमें देखो निकल रहा और हूँ मैं।
अभिनव ने किया है। अभिनव ने देखो ये किया हुआ है कि एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे और एक ब्लॉक के अंदर है। आई वुड हेलो सजेस्ट सर, कि अभिनव से एक बार पूछ लो लक्ष्मण कि ये कैसे किया है उसने, या फिर इसके कोड में देख लेना। इसका गिटलैब प्रोजेक्ट भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो तुम गिटलैब पे जाके डायरेक्टली इसका कोड भी देख सकते हो, सब पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ओके सर, अभिनव ने बहुत अच्छे से ये चीज की हुई है। अगर अभिनव ने ये चीज समझ समझ के की है, वो तुझे समझा सकता है फिर। ठीक है, तो हाँ सर, ठीक है। इसको देखिए कर लेना। बेसिकली इस बॉक्स में मैप आ जाएगा तुम्हारा, इस बॉक्स में कंटेंट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है सर, मस्त। तो लक्ष्मण का डाउट इज क्लियर। नेक्स्ट हाँ है सर। दिशा। मैं सर स्क्रीन मैंने पे, पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाया है, वो ओ मेरा प्रॉब्लम क्या ही बताऊँ आपको, कोई बहुत हेल्प नहीं किया, बुरा हुआ कॉन्ग्रेट्स। मेरे साथ अगर बहुत। पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाया है तो इसके लिए तुम्हें एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने का एक और मौका मिला तुम्हें। तुमने पूरा प्रोजेक्ट फिर से बनाया क्या? यस सर। ठीक है, एक चीज ये कि ये लिखते रहो कहीं पे कि क्या क्या चीजें कमियां हैं और क्या ऑसम किया है तुमने। ठीक है, ओ सर जरा खोलने दो मेरे को बुक। तो तुमने यहाँ पे न्यूज कॉन्टैक्ट अबाउट रखा है, देखते हैं कि क्लिक करने से क्या होता है। यहाँ पे न्यूज आ रही है विच इज ग्रेट। यहाँ पे तुम्हारा ट्विटर खुल रहा है कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे, चलो ठीक है। और इसके बगल में तुमने अपना विक्स की वेबसाइट लगा रखी है अबाउट में। तो यार अच्छा है कि लिंक्स कनेक्ट किए हैं। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे इनको चेंज कर दो यहाँ पे अबाउट में, क्योंकि तुम्हारी पोर्टफोलियो खुल रहा है तो यहाँ पे अबाउट के बजाय लिखना चाहिए था तुम्हें पोर्टफोलियो या फिर पर्सनल वेबसाइट। कॉन्टैक्ट पे ट्विटर खोल रहा है, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि कॉन्टैक्ट क्लिक करने पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आए, क्योंकि तुम्हारा ट्विटर खुल रहा है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की बजाय ट्विटर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विटर लिख दो, यहाँ पे अबाउट के बजाय माई सर उसमें पोर्टफोलियो, या जीमेल डाल दूंगी लक्ष्मण की हेल्प से। तो उसमें फिर जीमेल लिखना। अगर ट्विटर डाल रही हो तो ट्विटर लिखो, हाँ सो क्योंकि दैट। वो सब तो फुटर में डालना है ना, ट्विटर वगैरह। हाँ यार, बट जो भी यहाँ पे डाल रही हो वो उसका वही चीज लिखो जो खुलने पे आ रहा है। ठीक है, ओके एंड ये तुम्हारी वेबसाइट किस बारे में बन रही है बता सकते हो? किस बारे में है वेबसाइट तुम्हारी? कपड़े। कपड़ों के बारे में है, तो न्यूज़ क्यों आ रहा है कपड़ों में? अब वो तो क्या डालू उधर। कुछ और डाल दो, तुम्हारे फैशन ब्रांड अगर कोई फॉलो करती है उसके बारे में डाल दो, या फिर कुछ आई डोंट नो, कुछ भी डाल दो, इसको हटा दो, अप टू यू। बट ओके न्यूज डजेंट मेक सेंस। अगर ये कपड़ों की वेबसाइट है तो एवरीवेयर इट शुड बी क्लोथ्स, बाय क्लोथ्स का चाहे तो एक बटन डाल दो और वो क्लिक करने पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे भेज वो दो। सब नीचे डाला है। ओके ठीक है, बट यहाँ पे न्यूज नहीं समझ आ रहा। अगर कपड़े की वेबसाइट है तो कपड़े होने चाहिए, फिर वेस्ट साइड या कट नहीं रहा है, परफेक्ट है, ऑल यू नीड परफेक्ट है ये। यार अगर ब्लैक कलर यूज कर रही हो तो ऊपर ग्रेइश मत यूज करो, फॉन्ट वाइट है कुछ यूज करो, ओके हम्म। है ना? तो एक तो ये लिख लो, ये चीज लिख रही हो यस सर। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ये असल में वाइट होना चाहिए था बट ये हो नहीं रहा। कलर फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, फॉन्ट कलर वाइट नहीं आ रहा। ओ कलर वाइट ये रहा, ठीक है। थोड़ा ओके सर। सा देखो दिखने लगा, ये अच्छा है कि पैलेक्स में दो इमेज यूज किया है। माई मेट्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? वो ऊपर हो गया खुद ब खुद, खुद ब खुद नहीं हो सकता बेटा। वो गलती से डाल दिया। मेरे को हाँ उधर कुछ और लिखना पड़ेगा, नहीं तो, और ये मैप ऐसे साइड में नहीं अच्छा लग रहा, तो किधर डालू, बीच बीच में। दिखाओ और उसके ऊपर हेडिंग दो कि मीटस या कुछ भी। ओके ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखना ही है तो ये रहा तुम्हारा आई फ्रेम, इसको एडिट किया, इसको एक डिव में डाल दिया या फिर इसके ऊपर लिख दिया पी टैग में मीटस। देख इसको H2 टैग में डाल देते हैं और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। ये देखो मीटर्स आ गया, और हाँ इस पूरे को एक डिव में डाल के इसको सेंटर में करो, ये सेंटर में अच्छा लगेगा, इधर लेफ्ट में अच्छा नहीं लग रहा। ओके ठीक है, तो सो दैट यहाँ पे दिख रहा है ओके वेस्ट साइड का है, उसके बाद शूज सेटअप टोन इमेज, और एकदम से मैप नहीं दिखेगा इसको, इनको दिख जाएगा कि ओके मीटर्स करने के लिए ये है। माई मेट्स आई गेस तुमने इनके लिए लिखा है क्या? नहीं, उसमें पहले मैंने ये लिखा था, मतलब
फ्रेंड्स का बनाया था, बाद में मैंने सब ये कर दिया ठीक है। तो हर सेक्शन के ऊपर हमेशा हेडिंग लिखना कंपलसरी है, सो दैट यूजर को पता रहे वो क्या देखने जा रहा है हर सेक्शन के ऊपर। तो अगर तुम टेस्टिमोनियल यहाँ पे देखिए, या फिर तुम्हारे पार्टनर ब्रांड्स हैं तो इसके ऊपर लिखो पार्टनर ब्रांड्स, ओके ठीक है, या फिर क्लोथिंग ब्रांड्स, हाउ टू बाय। सर वो लिंक भी डाला मैंने नायका वगैरह से। ये लक्ष्मण का कॉपी किया है क्या उसने? मतलब वो कोड पेन से वही उठाएगा कि वो दूसरा वाला तो वर्क नहीं करने का था ना। ठीक है, दिस इज लुकिंग ग्रेट। एक चीज ये कि तुम्हारा भी जेड इंडेक्स का इशू है, तो ये रिजॉल्व कर लो। ओके, परफेक्ट है। आई वॉन्ट की इन तीन बॉक्सेस के अंदर इंस्टेड ऑफ बॉक्स वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री लिखने के कुछ और क्रिएटिव डालो, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो, यहाँ पे इमेज डाल दो, यहाँ पे एक और इमेज डाल दो। इतना ही क्रिएट किया मैंने पूरा किया और सर दर्द होने लग गया, ये सब बराबर कर दूंगी। ठीक है, दिस इज परफेक्ट। मैप कांटेक्ट ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट मोबाइल व्यू देखते हैं तुम्हारा, जहां पे ज्यादा लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट मोबाइल व्यू रिफ्रेश, फर्स्ट व्यू अच्छा आ रहा है बट ये यहाँ पे छोटा क्यों आ रहा है? मैप्स की वजह से। तुम्हारा मैप असल में बहुत बड़ा है जिसकी वजह से देखो व्यू पूरा कट गया यहाँ से। ओके, मैप को छोटा कर दो थोड़ा, कैसे करो ये? तुम्हारा मैप बड़ा सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी है 400px। अगर इसकी विड्थ कर देती विड्थ 100% तो ये देखो सही हो गया, ये अब कट नहीं रहा है। विड्थ 100% ओके है ना, और विड्थ 100% करना बट यहाँ से विड्थ हटा भी देना जो ये हार्ड कोड किया हुआ आई फ्रेम में। ओके तो अलग से डालो ना नीचे, ये सीएसएस में डाला है हमने, है ना, दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये सीएसएस में डाला है, ये सीएसएस नहीं है जो यहाँ पे वेबसाइट लिखी है, ये एचटीएमएल है। ओके, जो तो भी अलग से लिखो, जो भी स्टाइल के अंदर होता है वो सीएसएस होती है। ओके, तो सीएसएस में लिखना, अब कैसे लिखोगी वो सोच लेना ठीक है। माई मेट्स, यहाँ पे भी वही जेड इंडेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है एंड ये चल तो सही से रहा है। एक चीज ये लक्ष्मण के में भी और तुम्हारे में भी प्रॉब्लम है, हमने लक्ष्मण को नहीं बोला, तुम्हें बोल दे रहे हैं यार कि ये टेस्टिमोनियल यहाँ तक आ रहा है बट तुम्हारा जो ये डॉट्स है वो बहुत नीचे आ रहे हैं। डॉट्स एकदम बगल में रखो, इतना दूर मत रखो। ओके, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज तुमने विड्थ हार्ड कोड कर रखी है, ये देखो हर जगह स्टाइल में विड्थ हार्ड कोडेड है। ओह नो, विड्थ नहीं हार्ड कोडेड है, कुछ तो दिक्कत है इसके अंदर। ये 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 देख लेना एक बार कि ये इतना दूर क्यों आ रहा है, इसको पास करो थोड़ा। ओके, ये रहा डिव क्लास आइटम, डिव क्लास आइटम में तुमने कर रखा है पैडिंग 50px। ओह नो, और उसके बाद भी मार्जिन बॉटम 80px। ओह नो, इसको हटा देते। ये देखो मार्जिन बॉटम जैसे ही हटाया ये पास आ गया, दिख रहा है? मार्जिन बॉटम पूरा हटा दो। अब तुम्हारे हिसाब से देख लेना क्या बेस्ट लगेगा तुम्हें, बट इंस्पेक्ट करके देख लेना कि ये क्यों आ रहा है। फिर से देखो हमने कैसे किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, एक बार पेज रिफ्रेश कर देते हैं। पेज रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पे बहुत नीचे दिख रहा है, तो अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों आ रहा है। ये देखो जैसे ही यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो दिख रहा है कि ये पूरा ब्लॉक है, यानी इसके अंदर कुछ हो रहा है। अब इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है, डेव क्लास इसके अंदर गए, यहाँ पे देखो इसके अंदर गए, यहाँ गए और ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ तो ऑरेंज से दिख रहा है, यानी कि इसी की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। और ऑरेंज क्या है, ये देखो ऑरेंज से ये हाईलाइट हो गया, दिख रहा है सबसे नीचे स्टाइल तो दिख जाएगा कि ओके ये असल में मार्जिन जो है वो 80 दे रखा है। अगर मार्जिन को यहाँ से 80 से हटा के 10 कर दें तो शायद सही हो जाएगा, ठीक है? ओके, इसको सही कर लेना, हो जाएगा तुमसे। मार्जिन बॉटम की वजह से हो रहा है, बट सिर्फ मार्जिन बॉटम में फोकस मत करो, ये भी फोकस करो कि ये कैसे सही किया है हमने, ठीक है? ओके, ऑलराइट, बाकी सब परफेक्ट है तुम्हारा। ऑलराइट, जय हिंद सब लोग। जय हिंद सर, जय हिंद सर।